कम से कम 10 से 13 ग्लास के दरमियान आपने पानी पीना है गर्मियों और में। जितना चाय और कॉफी का इंटेक करना है एक कप के बदले में 2 ग्लास पानी पीना। स्ट्रेस के लेवल्स जो है ना उनको कोशिश करें कि बिल्कुल मिनिमल करें। 30 के बाद वजन क्यों कम नहीं होगा? जो आप मैं तो सुनूं 28। ओह माय गॉड प्लस मेनी मेनी मोर। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ैनब कौंदल। डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। जान के औखे औखे अपने नाम के साथ रखे हैं ना डॉक्टर ज़ैनब आपने, ताकि लोग बड़े इम्प्रेस हों, है ना। लोगों को पता ही ना चले कि क्या है क्या नहीं है। हमें कख नहीं पता ये क्या करती है, हमें सिर्फ ये पता है कि वजन कम करने के ये बड़े अच्छे तरीके बता देती हैं। इनको सब पता है, सब पता है। तो बचपन से तो मैं आपको कहते हुए भी हंसी आ रही है। ये मुझे बचपन से नहीं, मैं इसको क्या बचपन से देखना है। अच्छा सर, मुझे बहुत लेट इन लाइफ पता चला कि वेट लॉस कैसे होता है। दूसरी चीज इसका मुझे बहुत लेट एहसास हुआ वो ये है कि हर सीजन में वजन कम करने का तरीका मुख्तलिफ है। यस दैट्स राइट। तो ये वाली साइंस क्यों नहीं पहले किसी ने बताई? मतलब मुझे इस एज पे, इस स्टेज पे पता चल रहा है कि भाई वजन कम करना है अगर सर्दियों में तो उसका मुख्तलिफ तरीका है अगर आपने गर्मियों में। और टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि जब वेट कम करना होता है गर्मियों में, जैसे सर्दियों में कहते हैं कि भाई आप वॉक करें डेली 45 मिनट्स, सर्दियों में हो जाती है, रात को कर ली, सुबह कर ली, दोपहर को भी अगर ज़्यादा धूप नहीं निकली तो कर ली। बिल्कुल। लेकिन ज़ैनब जैसे ही हम बात करते हैं गर्मियों में वॉक करने की, एक्सरसाइज करने की, तो एकदम से लोग हाथ उठा लेते हैं, सॉरी हम नहीं कर सकते। यानी भाई नॉर्मली बैठ के गुफ्तगू करने में बुरा हाल हो जाता है गर्मी में, तो एक्सरसाइज कौन करे? बिल्कुल ऐसे ही। समर वेट लॉस, आज कल वजन कैसे कम करना है? सबसे पहले तो जुगनापी आपने जो बात कही है ना कि पहले नहीं पता थी चीज़ें और अब पता चल रही हैं, उनमें रीज़न कुछ ये आ रहे हैं, डिफरेंसेस ये आ रहे हैं कि पहले कुछ साल तक हमारे यहाँ जो रिवाज था ना वेट लॉस का, वो ये था खाना पीना सब बंद, वज़न ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। लेकिन उस वज़न कम के साथ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म, मसल्स ख़त्म, टिश्यूज़ डैमेज, बॉडी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है हमें आइडिया ही नहीं होता था। भाई हर दूसरी लड़की को आजकल PCOS है। ऐसे ही आई मीन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आई कांट टेल यू हाउ मेनी यंग गर्ल्स आई मीट जिनकी अभी अभी शादियाँ हुई, 21, 22, 25। हर बच्ची घूम के कह रही, मुझे जिस दिन 16 साल की बच्ची मिली कहती है आप, कहती है जो ग्रांटी मुझे PCOS है। मैंने कहा यू आर ओनली 16, हाउ डू यू इवन नो? कहती नहीं वो अम्मी के साथ मैं गई थी, वो मेरे मुंह पे बहुत बाल आ रहे थे, मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था। 16 साल के बच्चे यार। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी बीमारियां आप समझें जो पहले 30 में जाके हो रही थी वो अब 20 में हो रही हैं, 20 वाली 10 में हो रही हैं, एजेस बहुत कम हो रही हैं। रीजंस सिर्फ क्या हैं? हमारे खाने के तरीके। अब अगर वजन कम करना है समर्स में तो सबसे पहले तो अगर हम समर्स में कह रहे हैं आपने पानी का इनटेक जो है ना वो बहुत अच्छा रखना है। नंबर टू, एक मिनट छाल मार देती हूँ ना आगे। हाँ, ओके। पानी का अच्छा इंटेक क्या है मेरे बहुत से जानने वालों के लिए? बहुत अच्छी इंटेक, आप ही, मैं बड़ा पानी पीती हूँ। कितना? 3 से 4 ग्लास दिन में मैं आराम से पी, मैं तीन से चार में चिपेड़े ना लगाऊ, 3 से 4 ग्लास सर्दियों में हम डांटते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा बाय द वे प्लीज माफ कर दें, अक्सर मैं कहता है आप तो स्थानीय में एक्चुअली चिपेड़े मारने के लिए तैयार हो जाती है। आई एम सॉरी, जो नुकसान आप अपने गुर्दों को और जिगर को करते हैं पानी ना पी के, वो आप और किसी चीज से नहीं करते। ऐसे ही है। सो पानी आपने कितना पीना है? कम से कम 10 से 13 ग्लास के दरमियान आपने पानी पीना है गर्मियों में। जितना चाय और कॉफी का इंटेक करना है एक कप के बदले में 2 ग्लास पानी पीना है। मेरा बच्चा बड़ा तेज हो गया, सीख गया मेरा बच्चा। ये मेरी फेवरेट लाइन है, ये जमानों की चोरी की है। थोड़ी सी है ना। हाँ, मैंने तुम्हारी इतनी चीजें चोरी की, मैं मानती हूँ। हाँ, यार माय फ्रेंड, आई लाइक यू वेरी मच, यू आर एक्चुअली माय चाइल्ड। अच्छा चाइल्ड, अब बताओ पानी। यस। नेक्स्ट चाय कॉफी का हो गया, पानी हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेस के लेवल्स जो है ना उनको कोशिश करें कि बिल्कुल मिनिमल कर दें। अगर आपने हेल्दी बाय चली जाओ ये सिर्फ एक 22, 23, 24 साल का बच्चा कह सकता है, आपने स्ट्रेस को कम कर ले।
अच्छा आपने ये नोट, इतना आसान नहीं है स्ट्रेस कम करना। तो सही ना, मेरी भी सुने, 30 के बाद वजन क्यों कम नहीं होता? यार मैं तो सोई 28 के। ओह माय गॉड, प्लस मैनी मैनी मोर, थोड़े से मोर है, डेढ़ दो करोड़ और। हाँ, बट द पॉइंट इज 30 के बाद क्यों? क्योंकि आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, आप स्ट्रेस का इनटेक बहुत ज्यादा कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से आपके हॉर्मोन्स बहुत चेंज कर जाते हैं। जान, ये तो मान लो लाइफ एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे, ससुराल, अपनी फैमिली के 36 मसाइल, अगर काम कर रहे हो तो साथ में काम के भी बखेड़े चल रहे हैं, ऊपर से दुनिया और माशरे की तो एक्सपेक्टेशंस वहीं पे वहीं खड़ी हैं आपके। सबसे आसान काम बता देती हूँ, दिन में कम अज कम 45 मिनट से एक घंटा अपनी जात के लिए दे दे। चले, अब उस पर भी हंसेंगी। ये झल्ली हो गई है आज, ये वीडियो के मूड में नहीं है, ये नॉन सीरियस मूड में आज मैं आप लोगों से सॉरी सॉरी कह रही हूँ। ये बातें बिल्कुल वो कर रही है जो हो ही नहीं सकती। अच्छा जान, मैंने पिछले हफ्ते में अपने आप को 45 मिनट नहीं दिए, तुम कह रही हो एक दिन में दे दूं। देखे, अच्छा, दो मिनट के लिए एक मॉम बनने का सोचो। नहीं, अब दो बच्चे आप पे टूंगे हुए हैं, ठीक है ना, कुछ तीसरे हसन 7 साल का, नूर 3 साल की, अच्छा हमजा 18 साल के, अब तीनों के अपने नौयत के प्रॉब्लम्स हैं। फैसल किसी भी टाइम फोन कर देता, ओह आई हैव गॉट 30 पीपल कमिंग फॉर खाना जान। जी जी जी, वो भी चीज होनी ठीक है, मैंने हांडी नहीं खड़े होकर किचन में बनानी, बट चीजें तो ऑर्गेनाइज करनी है ना। ऑफ कोर्स, लुक आफ्टर। सो द फैक्ट इज, देखो अगर मुझे ये कहती हो कि 40 मिनट्स एक्सरसाइज दिन में कर लो, वो मैं कहूंगी चलो मैं उसके लिए टाइम निकाल लूंगी, जिसको मैं अब मी टाइम भी कह दूंगी। लेकिन अगर ये कहोगी ना कि अब इसके बाद कहना कि एक्सरसाइज भी कर लें, अपने आप को भी टाइम दे दे, वो नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, इसी वन आवर में आपने एक्सरसाइज भी करनी है, कोई अपनी फॉर एग्जाम्पल स्क्रबिंग है, क्लेंजिंग है, कोई अपनी आप समझे हाथों के लिए आपने कुछ करना है, कुछ भी करना है, वो सब कुछ इसी एक घंटे में करना है आपने। ओके, लाइक 23 आवर्स में आप जो मर्जी करें। मैं आप लोगों से बड़ी सीधी बात करूंगी, जो मेरी बहनें मेरी उम्र की हैं या मुझसे थोड़ी सी छोटी हैं, जिनके मसाइल और हैं, वो 3 से 4 दफा भी हफ्ते में ये कर लें तो बहुत है, बहुत है। हर रोज ना करें, अपने हस्बैंड से या अपनी जो भी, मतलब कोई, हर बंदे का कोई थोड़ा बहुत सपोर्ट सिस्टम होता है, हस्बैंड हो गया, अम्मी हो गई, कोई फैमिली मेंबर हो गया, उनको कहा कि जी मंडेज वेंसडेज एंड फ्राइडेज को ये एक घंटा मेरा अपना है, इसमें बच्चे देख लें, चीजें देख लें, प्लीज, हो गया डन। उसके बाद जो हमने एक्सरसाइज तो उसी घंटे में इंक्लूड कर दी, आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक बिल्कुल नहीं कर सकते, घर में अपनी सीढ़ियों से ऊपर जाए, हाँ जी, और नीचे आए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक चक्कर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दो, वो नहीं ना चलाकी लगानी, नीचे से वन टू, ये वन राउंड, पूरा एक पूरा राउंड है, ऊपर जाना और नीचे आना। अब बात आती है खाने की, क्योंकि खाना ऑफ कोर्स 70% है, लेकिन बाकी 30% चीजें ये आएंगी तो ही वो 70% भी। और इसमें मैं नींद को भी डाल देती हूँ कि 8 घंटे, 7 से 8 घंटे आपने सोना है रात को। बिल्कुल, नींद पूरी करना तो जाहिर है सबसे जरूरी। मैंने डरते नींद का नाम नहीं लिया, मैंने कहा पता चले अगली आप चपेड़ आए। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम रुक जाते हैं, ठीक है, पार्ट टू में 70% का बताएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो 30% का हमने आपको बताया ना, ये 30% का आपको बचाया है, ये 30% अगर सीधा होगा तो 70% काम करेगा। अच्छा एक और चीज हम करते हैं कि पार्ट वन के नीचे जो जो ये काम कर लेगा ना, वो आके कमेंट्स में हमें बताए। ऑसम, तो ये करते हैं कि पार्ट वन में आप अपने कमेंट्स वगैरह मेरे साथ शेयर करें। अगर आपने एटलीस्ट ये 30% करना शुरू किया है तो हम फिर पार्ट टू आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम खुराक में समर में क्या खाना है, समर वेट लॉस प्लान।